हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग आज हम ऑब्जेक्ट ऑर्डेड प्रोग्रामिंग के एक पिलर इनकेप्सोलेशन की बात करेंगे कि इनकेप्सोलेशन कैसे काम करती है और हम कोडिंग के थ्रू इनकेप्सोलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो गाइज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लर्न टू कोड ना सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू तो प्रेस बेल आइकन तो गाइज़ इस लेक्चर में स्टार्ट में मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऊप में इनकेप्सोलेशन कैसे काम करती है और उसके बाद हम एंड में हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो गाइज़ लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाइज़ ये हमारा लेक्चर है आजकल इनकेप्सोलेशन की हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये एक बड़ा बेसिक पिलर है टोटल फोर पिलर्स होते हैं जिसमें से हम आज हम बात कर रहे हैं इनकेप्सोलेशन की ठीक है जी तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इन होती क्या है और इसमें कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो गाइज इन कैप्सुलेशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग लेट से हमारी इसकी एग्जांपल है कि हम कैप्सोल हो होता है हम जो मेडिसन में यूज़ करते हैं ये कैप्सोल है जी इसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेकिन ये मेडिसिन जो भी इसके अंदर होती है हमारे लिए विजिबल नहीं होती ये कैप के अंदर जो होती है वो हाइड होती है और हमें नज़र नहीं आती इसी तरह ही इन कैप्सोलेशन वर्क करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें जो ब्लू कलर के जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये वेरिएबल्स हैं और जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे मेथड्स हैं ठीक है और एक एक क्लास के अंदर ये इनक्लोज हैं ठीक है तो इसमें यह बताया जा रहा है कि हम कैसे वेरिएबल्स और मेथड को अपनी मर्जी से इनकेप्सुलेट कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड करने के लिए इन्फॉमेशन को हम एक्सेस मोडिफायर्स यूज़ करते हैं एक्सेस मोडिफायर्स तीन किस्म के होते हैं एक नंबर पब्लिक टू प्रोटेक्टेड और थ्री प्राइवेट ठीक है जी पब्लिक का मतलब है एक्सेस मोडिफायर का कि ये जो जो भी आपने मेथड और वेरिएबल जो भी डिफाइन किया है अंडर द अम्बरेला ऑफ पब्लिक एक्सेस मोडिफायर वो जो है वो एक्सेबल हो सकता है क्लास के बाहर से ठीक है जी दूसरा है प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड का मतलब है कि जो वेरिएबल जो अंडर द अम्बरेला ऑफ प्रोटेक्टेड में हैं वो एक्सेस हो सकते हैं डिराइव्ड क्लास में यानी कि इस क्लास को जो क्लास इनहेरिट करेगी वो क्लास इसके प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है और प्राइवेट का मतलब है कि ये ओनली एक्सेस हो सकते हैं विद इन अ क्लास ठीक है जी क्लास से बाहर ये वाले वेरिएबल एक्सेस नहीं हो सकते तो गाइज ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एग्जाम्पल नंबर वन है इसमें हमने क्लास बनाई है जिसका नाम है पर्सन ये क्लास का नेम है ठीक है जी यह आपका आपकी मर्जी है आप जो भी नाम चाहे रख सकते हैं इसका अभी हमने इसका नाम रखा है पर्सन इसके अंदर एक प्राइवेट एक्सेस मोडिफायर के साथ हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है नेम ठीक है जी ये प्राइवेट है ये क्या है ये ये रिस्ट्रिक्टेड है एक्सेस का यानी कि यह क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता तो अगर हमने इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तो हम कैसे स्टोर करेंगे तो इसके लिए हम गेटर और सेटर फंक्शंस यूज करेंगे इसके अंदर गेटर गेट नेम का मतलब है कि जब भी हम गेट नेम का फंक्शन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस क्लास का तो यह हमें रिटर्न कर देगा नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी ठीक है जी इट विल रिटर्न वैल्यू विच आर स्टोर इन नेम ठीक है जी नेक्स्ट है सेटर सेटर क्या करता है कि नेम को वैल्यू असाइन करता है ठीक है जी जब भी हमने नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन करनी होगी वो हम इस सेट के फंक्शन से हम असाइन करेंगे लेट से आप यहाँ देख सकते हैं सेट के फंक्शन में इस सेट के सेट नेम फंक्शन का नाम है ठीक है जी ये आपका फंक्शन नेम है ये है जी आपका फंक्शन नेम है ठीक है जी और ये स्ट्रिंग है जो आप आप इंसर्ट करेंगे ठीक है जी इंसर्ट करेंगे और ये असाइन किसको होगी यहाँ पर नेम में असाइन हो जाएगी दिस डॉट नेम का मतलब है नेम जो है क्योंकि ये प्राइवेट एक्सरसाइज का इसका एक्सेस है हमारे पास प्राइवेट एक्सेस है ये क्लास के बाद एक्सेस नहीं हो सकता इसलिए सेट के फंक्शन के थ्रू इसको वैल्यू असाइन होगी अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट सेम जी गेट जो नेम है ये फंक्शन का नेम है और इसके अंदर ये क्या रिटर्न करेगा ये नेम को रिटर्न करेगा नेम कौन सा वाला ये वाला नेम है जो ये रिटर्न करेगा ठीक है जी तो आपने देख ली कि हमारी क्लास है पब्लिक क्लास है पर्सन के नाम से इसमें नंबर वन आपका है जी प्राइवेट स्ट्रिंग नेम है नंबर टू आपका सेट नेम का फंक्शन है और नंबर थ्री आपका नंबर uh, टू आपका सॉरी गेट नेम का फंक्शन है और नंबर थ्री आपका सेट नेम का फंक्शन है ठीक है जी नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम अपने मेन फंक्शन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और वैल्यूज कैसे हम नेम को असाइन करेंगे और रिट्रीव करेंगे वैल्यू तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट आ चुका है जिसमें हमने मेन क्लास हमारी बनाई है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन जो क्लास हमने प्रीवियसली डिफाइन की थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने ऑब्जेक्ट का नाम है माई ऑब्जेक्ट न्यू का ये आप यूज़ करते हैं इसमें न्यू का कीवर्ड है ये हमारे पास न्यू का की है जो यूज़ होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और पर्सन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ऑब्जेक्ट डॉट नेम जो है जब हम जैसे ही हम ऑब्जेक्ट में नेम क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है ये प्राइवेट एक्सेस मोडिफायर जैस के साथ ये प्राइवेट है तो जब भी हम ऑब्जेक्ट डॉट नेम करेंगे तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा एरर ठीक है जी ये हमारे पास एरर आ जाएगा और जब भी हम हम अगर ये करना चाहेंगे कि सिस्टम डॉट आउट अंडर स्कोर प्रिंट लाइन में मेन का ऑब्जेक्ट यहां पे हम शो करना चाहेंगे यहां भी हमारे पास एरर आ जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि ये ये जो नेम का आपको मॉडिफायर है ये एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट के अंडर दी अम्ब्रेला डिफाइन हो चुका है ठीक है जी तो गाइज हम देखते हैं कि राइट वे क्या है इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने का और इसके प्राइवेट जो वेरिएबल्स है उनको एक्सेस करने का या उनमें वैल्यू असाइन करने का या उसे रिट्रीव करने का तो पहले हम सबसे पहले यहां पर इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम इस जगह पर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर जॉन की स्ट्रिंग पास कर देंगे ये जॉन की स्ट्रिंग जो है ये असाइन हो जाएगी ये असाइन हो जाएगी नेम वेरिएबल को ठीक है जी जो कि एक प्राइवेट वेरिएबल है पर्सन क्लास के अंदर नेक्स्ट जब हम सिस्टम डॉट आउट का फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट लाइन का तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम ये फंक्शन क्या करेगा ये हमें आउटपुट दे देगा यहाँ से जॉन क्योंकि हम जॉन को डायरेक्टली ना एक्सेस कर सकते हैं हम नेम uh, वेरिएबल को ना हम उसमें कोई वैल्यू उसको हम असाइन कर सकते हैं तो उसके लिए हम सेटर यानी कि सेट का फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे और इस जगह पर उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम गेट का मेथड यूज करेंगे ठीक है जी अच्छा जी लास्ट में हम देखते हैं कि वाई इनकेशन हमें इनकेशन क्यों यूज करते हैं ठीक है जी हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इनकेप्सुलेशन को यूज करने के तो तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे बेस्ट कंट्रोल ऑफ क्लास एट्रीब्यूट ठीक है जी एंड मेथड्स के यानी कि जिन मेथड्स को आप प्राइवेट कर देंगे या जिन एट्रीब्यूट्स को आप प्राइवेट कर देंगे क्लास के बाहर से उनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता और उनका डाटा कोई भी चेंज नहीं कर सकता तो आपके पास आ गया बेटर कंट्रोल आ गया उसके ऊपर दूसरा क्लास एट्रीब्यूट्स कैन बी मेड रीड ओनली ठीक है जी इफ यू ओनली यूज़ गेट मैथड ठीक है जी जिस तरह हमने देखा अगर हम गेट मैथड के थ्रू ही रीड कर सकते हैं उनको ठीक है अदरवाइज हम डायरेक्टली वेरिएबल के नेम के साथ उसको एक्सेस नहीं कर सकते दूसरा क्या और रीड ओनली जब हम सेट मेथड को यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसको जब सेट मेथड को यूज करेंगे तो उसको आप राइट right ऑनली बना सकते हैं आप उसको तब ही राइट right कर सकते हैं जब आप सेट मेथड यूज़ करेंगे ठीक है जी नेक्स्ट क्या फ्लेक्सिबल है किस लिए फ्लेक्सिबल है प्रोग्रामर जो है वो उसमें किसी भी पार्ट में कोड के चेंज कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स ठीक है जी यानी कि वो मतलब गैर जरूरी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आप एक पार्ट ऑफ कोड यानी कि आप वो आप कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली मॉड्यूलर और एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप कोड को मॉड्यूलर अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में डिज़ाइन करें और डेवलप करें ताकि आप किसी एक पार्ट को चेंज करें तो दूसरे पार्ट को उसका इफेक्ट ना हो तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन हाइडिंग और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कैप्सोलेशन को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें हम डाटा को सिक्योर कर लेते हैं बाय यूजिंग एक्सेस मोडिफायर तो गाइज आज का हमारा लेक्चर था इन कैप्सोेशन पे प्लीज लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें थैंक यू